ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्म का टाइटल या फिल्म का नाम जय भीम है, जो उसमें दिखाया गया है वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। हम यहाँ इटावा में मौजूद हैं और हमने यहाँ कुछ युवाओं को देखा, और क्योंकि एक फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई थी उसका रिव्यू भी मैं आप तक लेकर आई थी, जय भीम, और उस फिल्म की चर्चा अब ज़्यादा तेज़ हो गई जब काशगंज के अल्ताफ के साथ कुछ उसी तरह की स्क्रिप्ट पुलिस सामने लेकर आई, तो इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी तेज़ हो गई। तो अब हमारे साथ जो युवा हैं और जिन्होंने ये फिल्म देखी हुई है, उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर आता है कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट ज़्यादा बेहतर थी या उत्तर प्रदेश पुलिस की बेहतर थी, और किस लिहाज से मैं बेहतर कह रही हूँ वो आप हमें बताएंगे। तो इनसे ही बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम संकेत है और मैं भी आप ही की तरह एक यूट्यूब पत्रकार हूँ, यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ MNTV पे। फिल्म के बारे में आपने एक मतलब सवाल पूछा है कि कौन सी स्क्रिप्ट बेहतर ही। बेहतर तो हमेशा ही उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उनकी स्क्रिप्ट बेहतर रहती है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो हाल ही का एक आंकड़ा है कि कस्टडी में मौत के लिए उत्तर प्रदेश सबसे नंबर वन है। उत्तर प्रदेश UP नंबर वन, एक बड़ा कैंपेन इस चुनाव में 2022 के चुनाव में चल रहा है BJP के द्वारा, वो एक आंकड़ा मिस कर गए जो अभी सोशल मीडिया की तरफ से सामने आया कि कस्टडियल डेथ्स में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। तो उत्तर प्रदेश की स्क्रिप्ट हमेशा ही नंबर वन है, फिर चाहे वो गाड़ी पलटने की बात हो या बाथरूम के नल से आत्महत्या करने की बात हो। जहाँ तक फिल्म की बात है तो फिल्म मैंने 2 तारीख की रात को, यानी जैसे ही 12 बज गए 3 तारीख आ गई, वैसे ही मैंने वो सारी फिल्म देख ली, और दूसरे दिन मैंने उस पर बात भी रखी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पोस्ट पर, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, सभी लोगों को देखनी चाहिए। मैंने अपने इसमें ये कहा था कि पुलिस को, पुलिस चाहे देखे ना देखे लेकिन वकीलों को देखनी चाहिए, पुलिस को भी देखनी चाहिए। पुलिस ने अगर नहीं देखी तो पुलिस वालों के घर वालों ने देखनी चाहिए कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं या उनको किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो ये बात है, और जिस प्रकार से उसकी राइटिंग है, उसका प्लॉट जिस प्रकार से रखा गया है, उसमें जो किरदार है, उनकी एक्टिंग है, उनकी परफॉर्मेंस है, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की एक्टिंग है। हो सकता है कि जिन्होंने राजू कन्नू की जो किरदार निभाया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, राजू कन्नू का जो किरदार निभाया, उनको नेशनल अवार्ड भी मिल जाए, मतलब उस लेवल की उनकी एक्टिंग है। अब मुझे लगता है कि उनको नेशनल अवार्ड मिलेगा, क्योंकि कंगना रनौत को मिला है नेशनल अवार्ड। मिलेगा नहीं मिलेगा एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी एक्टिंग है मिलना चाहिए, और जो बहुत कुछ जानकारी या जो कुछ समझदारी जिनके पास है फिल्म के बारे में एक्टिंग के बारे में, तो वो बिल्कुल चाहेंगे कि राजू कन्नू का जो किरदार उन्होंने निभाया उनको ज़रूर नेशनल अवार्ड मिले। और दूसरी बात ये भी है कि जो फिल्में अभी तक ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है भारत की तरफ से, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन ही मिल जाए, अवार्ड मिलना तो बहुत दूर की बात है, नॉमिनेशन ही मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जय भीम जैसी फिल्म अगर हम भारत की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भेजे तो वो नॉमिनेशन या फिर अवार्ड जीतने लायक वो फिल्म है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्म का टाइटल या फिल्म का नाम जय भीम है, जो उसमें दिखाया गया है वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। एक चीज़ आप कह रहे हैं कि आपको राजा कन्नू की एक्टिंग ज़्यादा बेहतर लगी, जी, मतलब सभी लोगों की हो सकता है ये इसलिए क्योंकि हमारे मैं पर्सनली एक फीमेल हूँ, तो मुझे उनकी पत्नी सेंगनी का जो किरदार था वो ज़्यादा दमदार लगा, क्योंकि वो आखिर तक लड़ती रही अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि वो फिल्म जो दिखाई गई थी वो 1995 की है, यानी कि आज़ादी के 50 साल के बाद, और आज हम 75वें साल में खड़े हैं, स्थितियाँ कितनी बदली हैं। स्क्रिप्ट तब भी वही थी, सच्चाई वो भी तब भी वही थी, आज भी काशगंज जैसी सच्चाइयाँ वही है, कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, इस सवाल का जवाब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा को संविधान सुपुर्द किया था 26 नवंबर 1949 को, तो तभी उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में एंटर कर रहे, प्रवेश कर रहे, हम पॉलिटिकली इक्वल है लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली इक्वलनेस जो है वो अभी भी स्थापित नहीं हुआ है। तो फिर आज़ादी को 50 साल हो, 75 साल हो या 100 साल हो जाए, अगर हम सामाजिक समानता और आर्थिक समानता अगर स्थापित नहीं करते, जिसके लिए संविधान लिखा गया है, वो अगर हम स्थापित नहीं करते तो चाहे कितने भी साल हो जाए परिस्थिति बदलेगी नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही होगी।
उस फिल्म में जिस तरीके की जो लड़ाई दिखाई गई थी सरकार से, प्रशासन से और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई, वो दिखाई गई थी मूल निवासियों की लड़ाई। और आज जिस माहौल में हम हैं, यहाँ हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है, हिंदू क्या, हिंदुत्व क्या, और ये जो लड़ाइयाँ थी मूल निवासियों की, बहुजनों की, अपने अधिकारों के लिए, ये कहीं पीछे छूट गई है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल पीछे छूट गई है, और पीछे छूटने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मेनस्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, एक्चुअली वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है। 85% लोगों की खबरों को न दिखाकर कोई मीडिया मेनस्ट्रीम नहीं बन सकता, क्योंकि 85% जनता जो है वही मेनस्ट्रीम है। अगर उनकी खबरें नहीं दिखाते, उनके प्रॉब्लम्स को वो हाईलाइट नहीं करते, तो वो मेनस्ट्रीम नहीं है। तो इसे ब्राह्मण बनिया मीडिया कहना बेहतर होगा, लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। रही बात आपने जो सवाल पूछा कि ये हम कहा जा रहे हैं, तो ये पहले ही कहा कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, बराबरी नहीं आएगी, तब तक ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। और मीडिया की इसमें बहुत अहम भूमिका है। अभी आप जैसे या हम काम कर रहे, तमाम ऐसे बहुजन समाज के चैनल्स हैं जो काम कर रहे, उसकी वजह से जो मुद्दे पिछड़ गए थे, वो मुद्दे अभी चर्चा में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप ट्विटर की बात करें, तो ट्रेंड हो रहे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग मुखर होकर अभी उन बातों को लिख रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि अगर मैं लिख दूं तो मुझे लोग जातिवादी कहेंगे, क्योंकि मैंने अपने कास्ट या अपने समाज के बारे में लिखा, तो मेरे ऊपर कास्टिज्म का या जातिवाद का तमचा ना आए, इसलिए मैं वो नहीं लिखता था या मैं नहीं कहता। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से वो सारे मुद्दे जो हाशिए पर रखे गए थे, वो अब मेन स्ट्रीम बन गए हैं। कितना देखिए, आयरनिकली अगर हम देखें, जिस सोशल मीडिया के जरिए आज हम बात कर पा रहे हैं, उसी सोशल मीडिया का फायदा उठा के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना प्रचार कर रही हैं, और वो जो 85% की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमागों में भी घर कर रही हैं। ओबीसी समाज के लोगों को वो अटैक कर रही हैं, उनको अभी भी मंदिरों तक ले जाया जा रहा है, उनको फोकस किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए आज हम आज़ाद हैं, वो भी अपनी व्यूज वहीं से पहुँचा रहे हैं। देखिए देखिए, मतलब एक थियोरी ये है कि आर्य जो है वो भारत से बाहर से आए और उन्होंने आक्रमण किया भारत के लोगों को, जो मूल निवासी लोग थे उनको हराया। तो हराने के लिए उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास घोड़े थे। घोड़ा जो है वो भारतीय नहीं है, भारतीय नस्ल का जानवर नहीं है, वो अलग, वो विदेश का है। तो घोड़ा, आधुनिक हथियार, तीर कमान जब उनके पास में थे, तो उन्होंने, ब्राह्मणवादी लोग जो है वो हमेशा ही आधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहे। सोशल मीडिया के बारे में हमें कब पता चला? जब 2014 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो बड़ा कैंपेन किया, उसके बाद हमें पता चला। यही बात ईवीएम को लेकर है, टेक्नोलॉजी की बात, आधुनिकता की बात जो है, वो ईवीएम का सहारा लेकर उन्होंने सत्ता हथिया ली। तो आधुनिकता के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में बहुजन समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, या यूँ कहे कि उनको 2500 सालों से जो शिक्षा से वंचित रखा गया, आज भी वही परिस्थिति है। इस वजह से आधुनिक हथियार जो है वो हमारे पास लेट आते हैं, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी बहुजन समाज का, बहुजन समाज के लोग जिस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, शायद ही ब्राह्मणवादी लोग कर पा रहे। ये ज़रूर बात है कि हमारे लोग इकट्ठा नहीं है, या हम बहुत यानी एकजुट होकर इस मामले को चला रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों से कि एक मुद्दा अगर जाति जनगणना का उठता है, तो हर कोई जातीय जनगणना के बारे में चर्चा करता है, भले वो अलग अलग पार्टी को समर्थन करने वाला मीडिया हो, बहुजन समाज की मीडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन के समर्थन वाला मीडिया हो, लेकिन वो बात एक लाइन पर अभी करने लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। संदेश, चलिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आ जाते हैं फिल्मों पे। साउथ की फिल्म जो कि हिंदी में डब्ड है, वो हमने देखी, वो हमें इतनी इंस्पायर करके जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आप देखते हैं कि कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड दिया जाता है मणिकर्णिका के लिए, और उसके बाद उनको पद्मश्री से नवाजा जाता है, और वो कहती हैं कि अरे हमें आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, इससे पहले तो वो अंग्रेजी हुकूमत में फिल्में बना रही थी। अभी कंगना बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वाकई उनका काम अच्छा है, मैंने उनकी कई कुछ फिल्में देखी है, क्वीन वगैरह आपने देखी होगी, तो अच्छी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस को जो जो काम वो बेहतर तरीके से कर सकती है, वही काम उन्होंने करना चाहिए। राजनीति या सामाजिक काम जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। रही बात आपने कही कि साउथ की फिल्में और बॉलीवुड, तो कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में कोई तुलना नहीं है,
एक्टिंग के बारे में कोई तुलना नहीं है, स्टोरी राइटिंग के बारे में कोई तुलना नहीं है। बॉलीवुड वही घिसी पिटी लव स्टोरी तोड़ मरोड़ कर वही दिखाने का प्रयास कर रहा है। बॉलीवुड में भी अब अलग अलग कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन साउथ के फिल्मों के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है। हालांकि मुझे साउथ की फिल्में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन जब से मैंने काला फिल्म देखी है पार रंजीत की, उसके बाद मेरा जो झुकाव है वो साउथ की फिल्मों की तरफ बढ़ गया। दूसरी बात ये कि बॉलीवुड में कहा जाता है कि नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद जिसे आमतौर पर कहा जाता है, वो बड़े पैमाने पर है। लेकिन उस भाई भतीजेवाद से भी बड़ा वाद जो है वो जातिवाद है, जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद होता है, बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिकता के आधार पर किसी को तवज्जो दिया जाता है या किसी को नकारा जाता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो ये आमतौर पर चर्चा में नहीं आता, सोशल मीडिया की वजह से वो मुद्दे भी चर्चा में आ रहे। मणिकर्णिका या कंगना रनौत की जहाँ तक बात है पद्मश्री की, तो उनको पद्मश्री मिला है, पहले भारत रत्न सबसे बड़ा पहले नंबर का नागरिक सम्मान है, उसके बाद है पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है, बराबर। तो अभी चौथे नंबर का नागरिक सम्मान उन्हें मिला है और ऐसे प्रकार के बयान देकर वो भारत रत्न की तैयारी कर रही है। ये बहुत बड़ी बात की आपने, सच में लगता है? हाँ, मतलब वो भारत रत्न की ओर अपनी कोशिश जो है वो जारी रख रही है कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। हालांकि मैं पार्टली उस बात से सहमत हूँ, उनका जो स्टेटमेंट है 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी और 2014 को हमें असली आज़ादी मिली है, तो मैं उनकी बात से पार्टली सहमत हूँ कि 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो सभी लोगों के या समूचे भारत के लोगों की आज़ादी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, 16 अगस्त 1947 को साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे इन्होंने एक बड़ा मोर्चा मुंबई में निकाला और उस मोर्चे में उन्होंने नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो मैं जिनको अपने महापुरुष मानता हूँ, बहुजन समाज जिनको अपना महापुरुष मानता है, वो लोग वो महापुरुष 1947 को मिली हुई आज़ादी को अपनी आज़ादी नहीं मानते हैं। तो कंगना रनौत की आधी बात से मैं सहमत हूँ कि 47 को जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, असली आज़ादी लोगों की, देश की, बहुजनों की आज़ादी आज भी बाकी है और इसीलिए शायद हम सब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छी सी कॉन्वर्सेशन के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे यहाँ नहीं हो पाए वो फिर कभी हम उसको उठाएं और उस पर बात करें। बहुत शुक्रिया।